छोड़ के, ये रिस्ट है ना, रिस्ट से दो उंगली छोड़ के यहाँ पे आप उनका पहले बीपी देख लीजिए, ठीक है, कितना बीपी है, और उसके बाद 20 मिनट इसको यूज कीजिए और फिर उनका बीपी चेक कीजिए, आपको फर्क जरूर नजर आएगा। और बीपी के लिए साथ में ओमेगा शुरू कीजिए। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम जी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। योगेश कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, तो योगेश कुमार जी। जी जी मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम मेरी वाइफ को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जी है, रूमेटॉइड, तो हाँ, इसके उसके लिए बीसीएम बहुत अच्छी है, और साथ में आप उनको बीसीएम के साथ टी पोली और जिंक कॉर्डिसोल, ये तीन सप्लीमेंट दीजिए। जी मैम, मैडम रिपीट कीजिए बार प्लीज। 46 के कैप्सूल्स और जिंक के कैप्सूल्स जी मैडम, और साथ में टी पोली, जी जी ये मैडम, दीजिए, टी और बोली तो मल्टीविटामिन फिलहाल ले रहे हैं दीजिए। मैडम, क्या ले रहे हैं? मैं टी बोली चल हाँ रहा है फिलहाल। ओके, जिंक मल्टीविटामिन भी दीजिए, जिंक भी दीजिए, क्योंकि मल्टीविटामिन में अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, और साथ जी में कॉर्डिसेप्स शुरू कीजिए, और बीसीएम रेगुलर यूज करना। बीसीएम करने के बाद स्वेलिंग आती है इनके पैरों में, बीसीएम जिंक करने के बाद। तो उनका क्रिएटिन लेवल चेक करवाइए, किडनी क्रिएटिन लेवल, कहीं किडनी में तो प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, किडनी क्रिएटिन लेवल चेक मैडम करवा के मुझे रिपोर्ट भेजिए।